अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने सीनियर वकला एजाज एहसन और लतीफ खोसा की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी। निजी टीवी से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सदर राणा फारूक सईद ने दोनों की रुकनियत मुअत्तल होने की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि एजाज एहसन और लतीफ खोसा की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। राणा फारूक सईद का कहना था कि एजाज एहसन और लतीफ खोसा पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी सीईसी के भी रुकन हैं। उनका कहना था कि एजाज एहसन और लतीफ खोसा की पार्टी की सीईसी की रुकनियत मनसूखी के लिए पार्टी को सिफारिश की गई है। उनका कहना है कि एजाज एहसन और लतीफ खोसा की पार्टी से बरतरफी का फैसला सीईसी इजलास में मुतवक्को है। वादे रहे कि पीपल्स पार्टी ने आज ही लतीफ खोसा की बुनियादी रुकनियत ख़त्म की थी और पार्टी के सेंट्रल पंजाब ऑफिस में वाल ऑफ शेम का इफ्तिताह किया गया, जिसमें लतीफ खोसा की तस्वीर लगाई गई। ख्याल रहे कि पीर के रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने लतीफ खोसा से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की थी। मुलाकात में जमहूरियत आइन के तहत मैसर बुनियादी इंसानी हकूक के तहफ़ के लिए पुरान जदोजहद में तेजी लाने पर इत्तफाक किया गया था। वादे रहे कि बलोचिस्तान के वकील अब्दुर्रज़ाक शर कत्ल केस में अपनी नामजदगी को इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में लतीफ खोसा के जरिए चैलेंज किया है।